इसीलिए बड़ी खुशी की बात है, सारे भारत को गर्व की बात है, रशिया जैसा एक महान देश अन्ना भाऊ साठे को पहचाना, लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं पहचाना। उन्होंने पहचाना और खास यहां के प्रधानमंत्री को इतला करके उनको रशिया भी बुला लिया, सम्मानित किया, और ऑल रशिया लाइब्रेरी में आज अन्ना भाऊ साठे का मूर्ति को भी प्रतिष्ठापन किया। रशिया कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो मैक्सिम गोर्की थे, उनका विशेष नावल है मां, हम तेलुगु में कहते हैं अम्मा। उस मां के नाम का जो नावल है मैक्सिम गोर्की का, वो पूरे दुनिया में मशहूर है, कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, हर देश में उसका उपलब्धि है। लेकिन बड़ा दुख की बात यह है, रूस सरकार ने अन्ना भाऊ साठे को इंडियन मैक्सिम गोर्की कहा है, भारत के मैक्सिम गोर्की। इतने महान हस्ती जो वंचित के लिए, पीड़ित के लिए अपनी कलम से काफी लिख चुके हैं, काफी कह चुके हैं, काफी लड़ाइयां लड़ चुके हैं, उनके प्रति इस देश में कोई सम्मान का भावना नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है। सचिन भाऊ मेरे पास जब आए थे मेरे साथ राजनीति का काम करने की इच्छा लेकर के, कुछ किताब मुझे दिए थे जो अन्ना भाऊ साठे के लिखे हुए थे। मैंने पूछा तो मराठी में, भाई मैं मराठी नहीं समझ सकता, कुछ अन्य भाषा में इसका ट्रांसलेशन आएगा, कहीं नहीं मिला। मैं अनुरोध करता हूं महाराष्ट्र सरकार से, कम अब तो जागे,